भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होने देते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान होने से ज्ञान हो जाता है और भक्ति न्यून हो जाती है। इसलिए महाराज बाबा ने दौड़ के कन्हैया को गोदी में उठाए हो, जसोदा से कही, क्यों जसोदा बता, तेने बैलगाड़ी के नीचे बालक लिटा दियो, अभी बैलगाड़ी गिर जाती, कोई कुप्पा गिर जाते, राक्षस गिर जाते, बेटा को ध्यान रखो कर। मैया घबरा गई, अरे राम राम, मेरे बेटा के ऊपर राक्षस की छाया पड़ गई। यशोदा मैया दौड़ के गौशाला में लेके गई हैं, श्यामा गाय की पूंछ से लाला की बेटा की नजर उतारी है, झाड़ो लगायो है, ब्रज रज से गौ खुर रज से कन्हैया को उबटन करायो है। कच्ची गौशाला में जहां गाय के पैरों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, उन गड्ढों में गौमूत्र, गाय का गोबर और मिट्टी तीनों मिक्स हो जाए, मिश्रित हो जाए, गाय के पैर के नीचे की गड्ढे में भरी हुई वो कीचड़ जैसी काली काली गौमूत्र गोबर मिली हुई मिट्टी, वो संसार की सबसे बढ़िया रोग प्रतिरोधक दवा है, एंटीबायोटिक्स। या में कोई दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं। वो गाय के खुर के रज की नीचे की कीचड़ मिट्टी, गोबर गौमूत्र मिली हुई वो मिट्टी सुखा लो, सुखाने के बाद कपड़े से छान के बिल्कुल कोमल कोमल वो मैदा जैसी हो जाए, उससे बालकों को उबटन करा के स्नान कराओ महाराज, कभी कोई बीमारी नहीं हो। दो बूंद जिंदगी की पिलाओ पिलाओ मत पिलाओ। गौखुर रज संसार को सबसे बढ़िया रोग प्रतिरोधक दवा, गौखुर रज से स्नान कराया है यशोदा मैया ने, गौमूत्र से स्नान कराया हुआ है। 50 तरह के स्वास्थ्य में परेशानी हो, गौमूत्र से स्नान करो, गौमूत्र से मालिश करो, थोड़ा सा धूप में बैठो, फिर जाके अपने जैसे स्नान करते हो वैसे करो। मैया ने गौमूत्र से स्नान कराया के, शुद्ध यमुना जल से स्नान कराया के, मोटी मोटी काजल लगाया है, पीली गोटादार झंगुलिया पहनाई है, मोटो काजल लगाए के, झंगुलिया पहनाए के, दुग्ध पान कराए के बालकृष्ण प्रभु को पढ़ायो है। नंद बाबा ने सब ब्रजवासी बुलाए हैं, ब्रजवासियों से स्वस्ति वाचन करवायो है, शांति पाठ करवाए हैं, ब्रजवासियों को भोजन करवाए हैं, वस्त्र आभूषण द्रव्य दक्षिणा दी है। भगवान कोई ना कोई लीला के माध्यम से ब्रजवासियों को कुछ ना कुछ आनंद करवाते रहते थे। भगवान की यह सकट भंजन लीला के द्वारा यह शिक्षा मिले है कि गृहस्थी रूपी बैलगाड़ी में पति पत्नी तो बैल हैं, और गृहस्थी रूपी बैलगाड़ी के ऊपर भगवान होने चाहिए। गृहस्थी रूपी बैलगाड़ी के नीचे अगर भगवान रखोगे तो बोले बैलगाड़ी पलट जाएगी। घर में भगवान की प्रधानता होनी चाहिए, अगर उन्हें गौड़ बनाओगे, बैलगाड़ी के नीचे रखोगे तो जीवन में कोई ऐसा महाराज कष्ट आएगा कि हाय हाय करते फिर जिंदगी निकलेगी। घर में आपने जो भी ठाकुर जी बिठाल रखे हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, गुरु जी हैं, शंकर जी हैं, गोपाल जी हैं, राम जी हैं, कन्हैया जी, जो भी आपके आराध्य हैं, बाबा हैं, दादी हैं, देवता हैं, जो भी इत्यादि इत्यादि, आपके जो भी आराध्य देव हैं, आपने इतने से आले में, इतने से सिंहासन में, इतने से मंदिर में या बहुत बड़े कमरे में, जैसी भी आपकी व्यवस्था है, आपने उनको विराजमान कर रखा है, उन्हें प्रमुख मानो। सुबह सुबह स्नान करके बढ़िया ठाकुर जी को बालभोग बना के, और पहले प्रभु को बालभोग लगाओ, उसके बाद बच्चों के टिफिन लगाओ। दोपहर में दाल रोटी चावल सब्जी, पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर सबको प्रसाद खाओ। 3 बजे 4 बजे हमको आपको भूख लगेगी, ठाकुर जी को उत्थापन कराओ, बढ़िया उन्हें दूध, ड्राई फ्रूट्स, फल इत्यादि जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है, प्रेम से भोग लगाओ, फिर आप पाओ। रात्रि में ठाकुर जी को बढ़िया रबड़ी, पराठा, सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी, हलवा खूब तैयारी कराओ, फिर सब लोग पाओ। यथा देहे तथा देवे, जैसे हमें सर्दी लगती है, हमारे कन्हैया को सर्दी लग रही होगी, बढ़िया ऊनी वस्त्र पहनाओ, शॉल उड़ाओ, रजाई उड़ाओ। गर्मी लग रही है, अरे हमारे गोविंद को भी गर्मी लग रही होगी,
बढ़िया सूती कपड़ों की बढ़िया सी पोशाक पहनाओ, बढ़िया प्रभु के लिए पंखा लगाओ, अपने लिए एसी तो ठाकुर को भी एसी लगाओ। यथा देहे तथा देवे, जैसे हमें भूख प्यास निद्रा तंद्रा नींद आ रही है, अरे ठाकुर जी को नींद आ रही है, पहले ठाकुर जी को सुला दो फिर सो, ये नहीं आप सोते रहो वो बेचारे रात भर खड़े। ऐसे अपने जीवन में भगवान को प्रमुख मानोगे, गृहस्थी रूपी बैलगाड़ी के ऊपर भगवान होंगे तो जीवन में सुख दुख जैसा किया है वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई महसूस नहीं होगा कष्ट। क्यों? ठाकुर जी की सेवा में आराधना में लगे हो, मन ठाकुर की सेवा में जब रहता है आने वाले सुख और दुख का अनुभव ज्यादा नहीं होता है। भक्ति मार्ग की यही विशेषता है, भक्ति जीव को सुख और दुख को सहज रूप में जीने की आदत डाल देती है, भक्ति मार्ग की विशेषता है।